गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द गिविंग ट्री चैप्टर फ्रॉम आवर इंग्लिश एनसीआर मेडिकल बुक क्लास फोर ओके द गिविंग ट्री इसका मतलब क्या है जो ऐसा ट्री जो हम लोगों को कुछ मींस जो हम लोग को देता है ट्री ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग द ट्री ऑलवेज गिव अस इट ड वांट एनी थिंग फ्रॉम अस ट्री हमेशा हम लोग को कुछ देता है वो हम लोगों से कुछ मांगता नहीं है सो लेट स्टार्ट इट नरेटर वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी एक ट्री था जिसको एक छोटा सा बच्चा था जो बॉय था उसको बहुत ज्यादा अच्छा पाता था ट्री जो और हमेशा वो जो बॉय ट्री के पास जाता था वो लोग दोनों कंपनी यानी एक साथ समय पार करते थे ट्री कम हियर माय बॉय कम एंड क्लाइम अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस यहाँ पे ट्री यहाँ पे जो आपका ट्री है वो क्या बोलते है कि अरे बॉय मेरे पास आओ मेरा जो ट्रंक है ठीक है जो टहनिया है ट्रंक पे आप झूलो स्विंग करो मेरे ब्रांचेस में ठीक है बॉय आह वाट ए फन यानी बॉय को क्या बोला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ट्री आर यू हंगरी ईट माई एप्पल्स बॉय हाउ डिलीशियस ट्री यहाँ पे बोलते हैं क्या तुम्हें भूख लग रहा है अगर आपको भूख लग रहा है तो ईट माई एप्पल्स एप्पल ट्री था ठीक है तो क्या बोलते हैं आप मेरे एप्पल्स को खाओ तो so, एप्पल्स को खाने का बॉय क्या बोलता है हाउ डिलीशियस यानी जब बहुत टेस्टी है तो हम लोग क्या कहते हैं डिलीशियस नरेटर वेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्री ओल्डर एंड वेंट अवे फिर सब कुछ खाना खाने के बाद खेलने के बाद बॉय जब टायर्ड हो जाता है तो ट्री के नीचे क्या करता है सो जाता है ठीक है ट्री के नीचे जो सोने पे ट्री उसको शेड देता है शेड वीन शेड छाया देना ठीक है ना छाव देना और धीरे धीरे बॉय जो सो जाता है और इसी तरह से टाइम पार हो जाता है और जो लड़का था वो धीरे धीरे क्या होता है आपका बड़ा हो जाता है एंड वन टे वे चला जाना द ट्री वॉज ऑफ्टन एलोन आफ्टर सम इय वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड ट्री वॉज वेरी हैप्पी इस तरह से जब वो बॉय चला जाता है तो ट्री क्या जाता है बहुत ज्यादा एलोन यानी अकेला हो जाता है लेकिन बहुत दिनों के बाद वन डे दैट बॉय केम टू द ट्री एंड ट्री वाज वेरी हैप्पी और एक दिन अचानक से जो बॉय रिटर्न आता है ट्री कम माय बॉय कम क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस फिर वही ट्री कहता है कि आ जाओ मेरे पास आओ मे ट्रंक ठीक है ना मेरे टहनी पर आप उठो उठ के आप झूलो मुझे क्या करो झूलो स्विंग में ब्रांचेस में मेरी डालियों से टहनियों से आप क्या करो स्विंग करो यानी झूला बनाओ बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले आई वांट टू बाय थिंग्स एंड मनी कैन यू गिव मी सम मनी अब यहाँ पे बॉय बोलता है कि देखो 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 वे ट्री वही छोटा बच्चा जो खेल रहा था उसके डाली में अभी वो बॉय क्या बोलता है कि देखो हम ये

आपका मार्केट में सेल करने के लिए मार्केट में सेल करता है लेकिन सेल करने के बाद वो बॉय रिटर्न नहीं आता बहुत दिनों तक वो बॉय रिटर्न नहीं आता तो क्या होता है ट्री सेड हो जाती है अकेला रहने लगती है पहले की तरह और फिर अचानक से एक दिन क्या होता है वो जो बॉय होता है वो बॉय रिटर्न आता है ठीक है बॉय जो क्या आता है आपका रिटर्न आता है किसके पास रिटर्न आता है ट्री के पास यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम के लिए रुका रहा हूँ एम सी व्हाट डस ट्री गिव अस ट्री हम लोगों को क्या देता है ट्री गिव अस ऑक्सीजन इज एन डेट हम लोग को फ्रूट्स देते हैं फ्लावर लीव्स शेड ठीक है ना बहुत सारा चीज ऐसा था इन द हायर क्लासेस यू विल गेट नो मोर मेनी मोर थिंग्स लाइक इन सॉइल इरोजन इट हेल्प ट्रीज हेल्प इन स्टॉपिंग सब चीज़ में ट्री का बहुत योगदान है यहाँ पे बॉय पैसा चाहता था हम लोग जब बड़े हो जाते तो हम लोग मैक्म थे भूल चुका था कि ट्री उसको कितना चीज दिया था ट्री के पास हो जाके क्या मांगता था पैसा मांगा था इसीलिए ट्री ने उसको बोला था कि मेरे पास एप्पल है पैसा तो है नहीं मैं आपको एप्पल्स दे सकता हूँ जिसको आप सेल कर यू कैन अर्न मनी फ्रॉम डैम इज इट सो Now let's again we continue our story. Now see tree. Come boy, come and climb up my tree. Swing from my branches, eat my apples, play in my shade, and be happy. Tree क्या बोलता है कि okay आजा boy आजा मेरे trunk पे आप उठो यहाँ पे swing करो eat my apples मेरे apples को खाओ play in my shade मेरे छाव पे खेलो and be happy और खुश हो जाओ. Boy, I am too busy to climb tree. आई एम गेटिंग मेरीड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन कैन यू गिव मी अउस यहाँ पे फिर से डिमांड करता है बॉय और बॉय क्या डिमांड करता है कि देखो अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ खेलने वाले मेरे पास कुछ टाइम नहीं है मैं शादी करने वाला हूँ मेरा वाइफ है और मेरा चिल्ड्रेन है चिल्ड्रेन है ना बच्चे हैं कैन यू गिव मी house? क्या आप तो क्या तुम तो मुझे घर दे पाओगे आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अस बोलते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए हाउस तो नहीं है बट आई हैव ब्रांचेस यू कैन कट दैट वन एंड यू कैन मेक योर हाउस आप उससे घर बना सकते हो हम लोग पेड़ के जो डाली होता है जो ऊट होता है ऊट से हम लोग बहुत लोग आपका घर बनाते हैं ना वुडन ट्री वुडन हाउस जो होता है ना उसी को बोला जाता है

Can you you give me a a a boat, boat. tree? All I have left is trunk. trunk Cut down my trunk and make a boat. Then you will, then will, you can sail away. यहाँ पे tree क्या बोलता है कि, बोलता है कि मुझे business trip में यानी व्यवसाय के लिए मुझे जाना है trip यानी भ्रमण पे जाना है व्यवसाय के लिए trip में जाना है तो क्या आप मुझे boat जो नदी में sail करता है ना now now बना दे सकते हो तो tree कहता है कि मेरे पास तो now नहीं है मेरे पास trunk है इसको आप लोग काट के जो स्टीम होता है ना उसको काट के आप तुम नाव बना सकते हो और जा सकते हो नरेटर यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड इन ए बोर्ड द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ ए स्ट अब देखो यहाँ पे ट्री जो है अपना ट्रंक भी दे देता है किसको दे देता है यंग बॉय को दे देता है ना लड़का को अब उसके पास कुछ नहीं बचता है सिर्फ उसके पास क्या बचता है एक बचता है जो स्टंप आपको हम क्या बताएं आपको जो छोटा जो ट्री का जो ऊपर का सब कुछ काट लिया जाता है उसके पास क्या होता है सिर्फ स्टम्प बचता है और कुछ नहीं आफ्टर लॉन्ग टाइम यंग मैन केम बैक अगेन नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉगनाइज हिम बहुत साल के बाद वो जो है आदमी जो यंग बॉय था वो रिटर्न आता है लेकिन इस बार जो यंग बॉय यंग नहीं रहता इस बार वो यंग बॉय क्या बन जाता है ओल्ड मैन बन जाता है क्या बन जाते हो ओल्ड मैन थ्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू माई एप्पल्स आर गॉन थ्री क्या बोलते हैं सॉरी मैन मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए मेरे एप्पल्स भी गॉन क्योंकि उसने काट लिया था ना ओल्ड मैन माई तिथ आर टू वीक्स फॉर एप्पल ट्री माई ब्रांचेस आर गॉन यू कैन नॉट स्विंग ऑन डैम अब लड़का बोलता है कि मैं एप्पल्स खाने के लिए मेरे पास दात नहीं है बुरा हो चुका था ना फिर ट्री बोलता है मेरे पास तो ब्रांच भी नहीं है क्योंकि तुमने उसको काट लिया था स्विंग करने के लिए ओल्ड मैन आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ए ब्रांच अब ओल्ड मैन बोलते हैं कि मैं भी बहुत बुरा हो चुका हूँ मैं भी स्विंग नहीं कर सकता हूँ इसमें ट्री माई ट्रंक इज़ गॉन यू कॉन्ट क्लाइंब अब ट्री क्या ट्री क्या बोलता है कि मेरा तो ट्रंक था उसको भी तो तुमने बोर्ड बना लिया था अब मेरे पास ट्रंक भी नहीं है जो स्टीम होता है ना मेरे पास ट्रंक भी नहीं है जिसपे आप क्लाइम कर सको ओल्ड मैन आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम अब ओल्ड मैन क्या बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ यानी थक चुका हूँ मैं क्लाइम नहीं कर सकता यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने मैंशन किया ट्री ने उसको सब कुछ दिया एप्पल्स फिर आपका बोर्ड बनाने के लिए दिया घर बनाने के लिए दिया शेड दिया पर क्या ट्री ने उससे कुछ मांगा कुछ नहीं मांगा ना ट्री से उससे पर वो इंसान बार बार मांगता रहा तो व्हाट यू गेट टू नो वी पीपल वांट एवरीथिंग फ्रॉम फ्रॉम ट्री बट वी डोंट कीप एनीथिंग टू ट्री हम लोग ट्री से सब कुछ लेते हैं पर हम लोग रिटर्न में ट्री को कुछ नहीं देते हैं तो यहाँ पे स्टोरी में ये बात को बताने के लिए ट्राई किया गया है जो मॉडल है स्टोरी में यही बात है कि हम लोग ट्री से सब कुछ लेते हैं पर ट्री को कुछ नहीं देते आई एम जस्ट एन ओल्ड एम सॉरी ट्री बोलता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है मेरे पास जो आपको कुछ दे सको आई एम वेरी सॉरी मुझे दुख लग रहा है पर मेरे पास कुछ नहीं है बस ये स्टाम्प बचा है ओल्ड मैन दियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवेन बट नाउ आई डोंट नीड मच जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट अब ओल्ड मैन क्या बोलता है जो यंग बॉय था ओल्ड हो गया ना तो ओल्ड मैन क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमने मुझे सब कुछ दिया अब मैं जस्ट रेस्ट करना चाहता है, ट्री हैप्पी वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सीटिंग एंड रेस्टिंग कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट तो ओल्ड मैन डिड एंड ट्री वॉज स्टिल हैप्पी अबाउट ऑल मैन ट्री क्या बोलते हैं देखो मेरे पास तो सिर्फ स्टाम बच्चा है तो देखा ना गोल जो आप लोग का पिक्चर में देखा गया है ना तो ट्री बोलते हैं कि ठीक है देखो तो आप इसको अपने बैठ के रेस्ट कर सकते हो बैठ सकते हो ओल्ड मैन बोलते हैं ठीक है तो ओल्ड मैन ने वही क्या ट्री और ओल्ड मैन ट्री भी उसको देखे कुछ था और ओल्ड मैन ट्री में इसी इस पोजीशन में और रेस्ट करने लगा समझ में आया स्टोरी में तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी द मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉज दैट वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज बिकॉज ट्रीज नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम आस बट वी पीपल ऑलवेज डिमांड फ्रॉम ट्री हम लोग हमेशा ट्री से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं लेते रहते हैं बट हम लोग ट्री को रिटर्न में कुछ नहीं देते उल्टा हम लोग डिफोरेस्ट्रेशन प्लांट्स को काटते हैं ना ट्रीज को काटते हैं तो हम लोगों को अभी से यह सब स्टॉप करना चाहिए वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज एंड वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड इवन सी प्लांट करना ही नहीं जो ट्री है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा है ना तो यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो रहा है स्टोरी का जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर मेन कॉपी एंड यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रॉपरली क्लियर दिस वन सो विद दिस वी आर फिनिशिंग आवर दिस चैप्टर द गिविंग ट्री थैंक यू